एट इज़ यूज टू डिनोट एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट लोकेशन ठीक है ये एग्जैक्ट टाइम या फिर एग्जैक्ट लोकेशन को डिनोट करने के लिए यूज होता है देन सेकेंड ऑप्शन इज ऑन देखिये ऑन के बहुत ज्यादा मीनिंग्स हैं ऑन जो है बहुत जगह ऊपर यूज होता है बेसिकली इसे हम डेट्स या डेज से पहले लगाते हैं डेट्स डेज को डिनोट करने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं और समटाइम्स अगर हमें शो करना है कि हाँ हायर देन है तो भी हम ऑन का यूज करते हैं हायर देन और एक इसका मीनिंग होता है इन द कोर्स ऑफ है ना इन द कोर्स ऑफ मतलब इन द प्रोसेस ऑफ ठीक है इन द कोर्स ऑफ ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विद विद का मीनिंग होता है कंपनीड अ कंपनीड बाय है ना किसी चीज के साथ तो दैट इज विथ देन अबाउट अबाउट क्या होता है इन द सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग किसी चीज के बारे में ठीक है तो वहां पे हम अबाउट का यूज करेंगे अब देखिए हमने चार ऑप्शन अपने डिस्कस कर लिए हैं सेंटेंस ऑफ द चाइल्ड इज क्वाइट चीफुल एंड हैप्पी डैश हिज है ओन तो यहाँ पे आएगा ऑन हिज ऑन ठीक है क्योंकि यहाँ पे ऑन इज ऑन मतलब वो खुद में ही बहुत ज्यादा खुश रहता है ठीक है तो ऑन इज ऑन क्या बताता है इन द कोर्स ऑफ समथिंग ठीक है ऑन इज ऑन जो है वो हमें क्या बताते हैं इन द कोर्स ऑफ समथिंग सो द चाइल्ड इज क्वाइट चीफुल एंड हैप्पी ऑन हिज ऑन ठीक है तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू वेरी मच क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर